हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स एक्सेंट वाई के रिजल्ट के बारे में, जो कि ऑफिशियली कल शाम को एक अपडेट आया। ठीक है, अपडेट में लिखा गया ये कि आप जो पहले से सुनते आ रहे हो, बस वही चीज़ को रिपीट किया गया। इसमें कुछ भी नया नहीं है, बट मैं कुछ यहाँ पे और भी बताऊंगा आपको। जरा इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है वही बात कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन रीजंस कंडक्ट ऑफ एनरोलमेंट ऑफ एयरमैन फॉर इनटेक 0221 और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर स्टार 01 2021 ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर डिलेड। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जो रिजल्ट और एनरोलमेंट है वो डिले है एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से। और जो कि हम पिछले अब वो लगभग 1 साल हो जाएगा करते करते जो चीज़ हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे 1 साल होने को आ ही जाएगा ये चीज़ सुनते सुनते। फिर आगे ये भी लिखा हुआ, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप चेकिंग द ईमेल एंड CSV वेब पोर्टल रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट। ये देखो, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि कई महीनों से बस ये लोग अपना वेबसाइट और मतलब वो है ना, वो चेक ही करा रहे हैं कि बस आप CSV का वेब पोर्टल चेक करते रहो, मतलब इस वेबसाइट को चेक करते रहो, यहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बट फाइनली करते क्या ना, ये चुपके से। अच्छा, इनकी एक चीज़ ना, एक चीज़ बहुत कॉमन देखने के लिए मिली है इस वेबसाइट के अंदर, या फिर मतलब CSV की तरफ से कह लो या फिर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, ये जो चीज़ आ रही है कि अभी सिर्फ ये लोग लगातार क्या कर रहे हैं ना, FCAT की वैकेंसी रुक नहीं रही है। साल में 2 बार होती है, वो हो रही है। अब FCAT क्या होती है, बहुत सब चीज़ों को नहीं पता होगा लोगों को, तो FCAT क्या होती है मैं बताऊँ आपको। देखो, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये FCAT का एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली मॉडल पेपर है, ठीक है, जो कि खुल रहा है, अभी टाइम थोड़ा लगेगा। देखो, ये जो है आपका इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है फॉर ऑफिसर एंट्री। ठीक है, लाइक FCAT का मतलब होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, अब FCAT के थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर पोस्ट पर जाते हो। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आज से अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ना, इन्वाइट्स मेन एंड वीमेन, इन्वाइट्स मेन एंड वीमेन फ्रॉम इंडियन सिटीजन एज पर सिटीजनशिप एक्ट वगैरह वगैरह, ऐसा मतलब नहीं है। कहने का मतलब इंडियन एयरफोर्स के अंदर वैकेंसी चालू है फॉर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए भाई, कह लो यहाँ पे ऑफिसर पोस्ट के लिए, क्योंकि CDS के थ्रू भी लोग एयरफोर्स नेवी में जाते हैं, FCAT के थ्रू भी जाते हैं, तो इन सभी चीज़ की चल रही है, NDA के थ्रू भी जाते हैं, तो ऑफिसर्स पोस्ट की वैकेंसी कंटिन्यू है। जितने भी एयरमैन के हैं, सेलर्स के हैं, मतलब एयरफोर्स में एयरमैन हो गए, नेवी में सेलर्स हो गए, ठीक है, इन सब पोस्ट को रोक के रखा गया है। कुल मिला के देखा जाए कि बदलाव जो भी हो रहा है वो सिर्फ निचले स्तर लोगों के साथ होगा, मतलब ऑफिसर एंट्री के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा, तभी तो कंटिन्यू वो लोग एंट्री करा रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, मैं फिर से FCAT की तरफ आऊँगा, बट उसके पहले हम जरा CSV के ऑफिशियल साइट पर जाते हैं। इस साइट पर आने पर ना, थोड़ा सा मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ कॉमन मिलता है इसके अंदर। थोड़ा सा नीचे आना, ये जो न्यूज़ पोर्टल है ना, इसमें देखो लास्ट अपडेट मतलब कल 31 मई को, ठीक है, आज 1 जून है, 31 मई को कल इन्होंने अपडेट किया था, जो कि न्यू का टैग आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना, 31 मई को, उससे पहले इन्होंने किया था 29 अप्रैल को, ये थोड़ा यूनिक है। 29 अप्रैल यूनिक क्यों है मैं दिखा रहा हूँ, इससे पहले इन्होंने दिखाया था 31 मार्च, मतलब 31 मार्च, अप्रैल, मई, उसके पहले भी देख लो इन्होंने कर रखा था 31 जनवरी। अच्छा, एक चीज़ देखो इसमें कॉमन क्या मिलेगा, फिर देखो 1 दिसंबर, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 अक्टूबर। अब क्या मैं दिखाना चाहता हूँ मैं बताऊँगा, ठीक है। इस तरीके से ये लोग कर क्या रहे ना, कि महीने के या तो स्टार्टिंग डेट में या फिर महीने के एंड में बस एक नोटिफिकेशन दे दे रहे हैं। ठीक है, इनका ये जो है ये बन गया है, मतलब कि बीच में, पूरे मंथ के बीच में नहीं आना है, बस या तो महीने के स्टार्टिंग में आ जाओ और चुपके से एक नोटिफिकेशन दे दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये बहुत आसान काम है, क्योंकि भीड़ में आके खुलेआम ये तो लोग बता नहीं रहे कि क्या रिजल्ट है, मतलब रीज़न है डिले होने का, सिर्फ ये चीज़ लिखा जा रहा है यहाँ पे, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, और ऑफिशियल पोर्टल पे एक नोटिफिकेशन दे देना, बहुत ही आसान काम है, जो कि ये लोग करके चले जा रहे हैं, या तो मंथ के एंड में या फिर स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने बना रखा है। तो फाइनली यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिसका भी एज एक्सपायर है, हाँ, FCAT के अंदर ये एग्ज़ाम डिफिकल्ट होता है, ठीक है, ये चीज़ मानना होगा, और FCAT के अंदर ये भी चीज़ है कि वैकेंसी एयरफोर्स से बहुत कम होती है, 200 250 300 वैकेंसीज होती हैं इसके अंदर, फिर भी जितने भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और साइंस ही, और रुको मैं और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट होती हैं, लाइक देखो FCAT एंट्री के अंदर भी होता है ना, जैसे टेक्निकल का हो गया ग्राउंड ड्यूटी, ठीक है, और एक ग्राउंड ड्यूटी में हो गया नॉन टेक्निकल, इनका अपना अपना चीज़ है। लाइक टेक्निकल में थोड़ा सा BE BTEC खोजते हैं ये लोग, ठीक है, और NCC स्पेशल एंट्री भी आती है इनकी, तो ये सभी चीज़ें, इसकी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ो, इसके सिलेबस में अलग वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी मैं रिसेंटली FCAT की भी क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूँ, कोस्ट गार्ड की भी, ठीक है,
तो इन सब का डेट मतलब टाइमिंग आपको मतलब 2 जुलाई से कंटिन्यू होगा, और 1 जुलाई मतलब आज शाम तक दोनों क्लासेस की टाइमिंग आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, कितने बजे से स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ें साथ में आप एफ कैट की अगर नहीं कर पा रहे हो, आपके पास लग रहा है कि एफ कैट आपसे नहीं होगा और आपका एज भी नहीं है, एफ कैट का ग्रेजुएशन नहीं है अभी तक, तो फिलहाल के लिए आप इंडियन कोस्ट गार्ड का तैयारी करो, वो बेटर रहेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, JDB, यांत्रिक का जो आता है, अगर आप एक्स ग्रुप की तैयारी करना चाहते हो तो कोस्ट गार्ड JD की तैयारी कर लो, फिर आपका एक्स ग्रुप इजिली क्रैक हो जाता है। अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप DB एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, फिर वो बेटर रहेगा, क्योंकि वाई ग्रुप का एग्ज़ाम ईजी होता है अगर DB एग्ज़ाम से ले लेते हो, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा, जो ऑफिशियल अपडेट आया था वो मैंने आपको दिखा दिया।